बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी लाइफस्टाइल में गाइस आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है गाइस आप जहां भी होंगे हैरियत से होंगे। आज हम आपको ज़बरदस्त किस्म की मटन चाँप आलू गोश्त की रेसिपी बताएंगे। ये देखें, हमने 250 ग्राम चाँप ले ली है और ये हमने दो अदद मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और दो अदद मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं इसको रस लगाने के लिए। और इसमें जो मसाला जार डालेंगे वो हम आपको बताते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डलेगा, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च डलेगी और 1/4 टी स्पून इसमें हल्दी डलेगी और 1/4 टी स्पून इसमें लज्जत के लिए, इसका खुशनुमा जायका बनाने के लिए इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डलेगी और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा डलेगा और लहसुन का पेस्ट है 1 टी स्पून, अदरक का पेस्ट है 1 टी स्पून और साथ हाफ़ टी स्पून इसमें हम सूखा धनिया डालेंगे कुटा हुआ और आधी प्याली हम इसमें गाइस दही लेंगे और एक अदद हम मीडियम साइज़ का टमाटर लेंगे। हाँ जी गाइस, और आधा ग्लास इसमें हम पानी डालेंगे। हाँ जी गाइस, फ्लेम ऑन कर दिया है। हम सबसे पहले इसमें हम मटन चाँप डालते हैं। अब इसमें टमाटर डालेंगे, साथ ही इसमें प्याज डाल देंगे। हाँ जी, और तमाम मसाले जो हम मैंने आपको अभी बताए हैं उन तमाम मसालों को डाल देंगे इसके अंदर और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम साथ ही डाल देते हैं। और प्लेट को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और आधा एक गिलास इसमें पानी डालेंगे गाइस। और पानी इसलिए इसमें कम डाला है क्योंकि ये चाँप मटन चाँप है, बहुत जल्दी घुल जाती है, हल हो जाती है, इसलिए हम इसको प्रेशर लगा लेते हैं। इस तरह से काम हमारा जल्दी और आसान हो जाएगा। प्रेशर की जब सीटी बोलती है तो इसको गाइस हमने सिर्फ 5 से 7 मिनट तक प्रेशर लगाना है। और अब हम प्रेशर लगाते हैं। हाँ जी गाइस, अब प्रेशर को बंद कर देते हैं और इसको सीटी बोलते ही इसको 5 मिनट हम लगाएंगे, चूल्हे पे रखेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी गाइस, प्रेशर अब खोलते हैं और इसको 5 मिनट ही हमने वेट लगाया है। और ये देखिए माशाल्लाह से पानी खुद बहुत ड्राई हो गया और चाँप भी बिल्कुल सही है। हाँ जी गाइस, पानी को थोड़ा सा हल्का सा जो पानी है उसको भी ड्राई करते हैं और इसमें हम ऑयल भी डाल देते हैं। ऑयल हमने इसमें आधी प्याली डालनी है ताकि ये अच्छी तरह से हम भून लें। छोटी प्याली डालनी है गाइस, या फिर आप चम्मच के हिसाब से 5 से 6 चम्मच भी डाल सकते हैं खाने के। और अब इसमें ऑयल डाल दिए हैं, माशाल्लाह से इसको अच्छी तरह से भूनते हैं। ये देखिए मसाले कितने अच्छी तरह से हो गए हैं, इनको जब भूनेंगे तो ये सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे। चाँप को हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। वैसे तो जो हमने मसाले इसमें डाले हैं, मसालों की लज्जत से ही इसका तमाम स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और माशाल्लाह मटन चाँप तो घर के सभी लोग बहुत शौक़ से पसंद करते हैं और खाते भी हैं। और जो टेस्ट मैं इसमें इन्हेंस हो की है जो बताया आपको, उससे तो माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त किस्म की बनेगी और इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा। हाँ जी गाइस, मसाले को हमने तकरीबन 5 मिनट तक भुना। ये देखें ऑयल भी ऊपर आ गया और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से। अब हम इसमें दही डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दही मैंने आपको इसकी मिकदार पहले बता दी हुई है। इसको अच्छी तरह से हम प्याली को साफ कर लेंगे बर्तन को और फिर इसमें दही डालेंगे। अब इसे पहले हमने इसको दही में ऑयल में भुना है, अब हम इसको दही में अच्छी तरह से भुनेंगे और अच्छी तरह से इसको मज़ीद हम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे ताकि दही का जो ये सारा टेस्ट है इसके अंदर चाँप के अंदर मिक्स हो जाए। हाँ जी गाइस, दही डाल के भी हमने इसको 2 से 3 मिनट तक भून लिया अच्छी तरह से। अब मसाले को काफ़ी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ताकि इसके लज्जत और जायके में इजाफा हो जाएगा। अब हम इसमें आलू डालेंगे जो मैंने आपको बताया है, जो हमने मीडियम साइज़ में काट के रखे हैं। अब सारे आलू डाल देते हैं। अब आलू डालने के बाद इसको फिर हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनेंगे। भुनने के बाद हम इसको दम पर लगा देंगे। दम पे हम इसको आलू जब तक गलना चाहे तब तक लगाना है। तकरीबन आप इसमें आप 5 मिनट भी दम लगा सकते हैं और 4 मिनट भी दम लगा सकते हैं। जिसमें आलू गल जाएंगे तो फिर आपका ये मसाला मटन चाप मटन आलू रेसिपी की तैयार हो जाएगी। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए भूनते हैं। हाँ जी गाइस, इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आलू इसी दही के और इसी मसाले के पानी में हल हो जाएगा
और इसमें से ये गल जाएंगे अच्छी तरह से। हाँ जी गाइस, माशाल्लाह से देखिए 5 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लिए और यहाँ भी ऑयल इसने छोड़ दिए और देखिए कितना मज़ेदार और यम्मी, देखने में कितना लजीज लग रहा है। और चाप मटन आलू रेसिपी ज़बरदस्त किस्म की गाइस तैयार हो गई है। ये देखें मसाले वाली मैंने बनाई है ये, इसमें अब चाहे तो रस भी लगा सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा आधा ग्लास पानी डाल देते हैं ताकि हम नान चपाती के साथ जब इसको टेस्ट करेंगे तो ज़बरदस्त मज़े का टेस्ट हो जाएगा। हाँ जी गाइस, आधा ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिए और बस इतनी ही रस रखेंगे, इससे ज़्यादा मज़ीद हम नहीं करेंगे। और इसी में ये हमारा मज़ेदार किस्म का चाप मटन रेसिपी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम हल्की सी लाइट सा गर्म मसाला डाल देंगे। अब इसको 2 मिनट पकाने के बाद डिश आउट कर। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमने चाप मटन गोश्त रेसिपी जो है मेरी तैयार हो गई है, इसे मैंने डिश आउट कर दिया। माशाल्लाह से देखिए गाइस कितनी खूबसूरत उसके ऊपर तरी भी आ गई है और आलू भी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। मैंने हल्का सा इसके ऊपर काली मिर्चों का छिड़काव कर दिया और आप धनिया के साथ भी गार्निश कर सकते हैं और इसको मज़ीद ये है कि आप चपाती के साथ भी खाएँ। ये गाइस मैंने चपाती बनाई है घर में ताज़ी ताज़ी, ताकि इसके साथ भी आप डिश इसके साथ भी आप मज़े से इस खाने को खा सकते हैं। हाँ हाँ जी गाइस, मटन चाप आलू गोश्त रेसिपी की वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान, टेक केयर।